हेलो नमस्ते सत्याकाल और आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे के ब्लॉग्स डीजे के ब्लॉग्स। तो अभी मैं मौसी के घर में हूँ ओरांग में, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, तो वहाँ पे जाने का प्लान किया है मेरे मौसी के बेटे के साथ, और ये मेरे मौसी का बच्चा लड़का। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, और मेरे पीछे वो मंदिर है जिसके बारे में हमने बोला था कि आएंगे। ये नहीं है, इन्फॉर्मेशन गलत था, मजाक कर रहा था मैं। मतलब कहानी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे कछुए और मछलियाँ हैं बड़े बड़ी, तो उन्हीं को देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रुके हुए हैं, और शिप्स डाले गए हैं ताकि कछुए आए। और मेरे मौसी के लड़के ने इसमें बोला है कि कछुए शिप्स खाते हैं, तो ये चिप्स लेके आया, तो देखो आ रहे हैं खाते है कि नहीं खाते। तो कछुए थोड़े एडवांस हो गए, चिप्स भी खाने लगे। वहाँ पे भी कुछ था, कछुओं के साथ साथ हम भी चिप्स खाते हुए, बकरियाँ भी चिप्स खाने लगे हैं, सब एडवांस, सब लोग यहाँ पे सब जीव जंतु एडवांस हो गए। तो अभी हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बोल रहे थे। मंदिर का नाम गुप्तेश्वर मंदिर। गुप्तेश्वर मंदिर
तो ये शिव जी का मंदिर है और थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे इसे। चलिए नारायण तो अभी हम थोड़ा वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। हालत तो वैसे भी खराब होने वाली ही है। तब कई फल लिए हुए रहा होला नहीं कि? पढ़े। ओ। पढ़ भी ना रहा था ये लोग दे। मजबूर कहने हैं। तो कब उसकी चलती जाती? हाँ बोलना तो तुम लाइक मर गए नहीं तो बात। मैं पाई ना। सपोर्ट लाये से देख लाना थोड़ी सी लाये। ओए ओए ओए। आओ बे। आज क्या? उठी लाता। নড়াই ফেললি রাস্তা নাই মো কইছিল না বে কি কথা আমার ভুল হয়েছে ক্যালকুলেশন থেকে আমি ভুল ছিল ও আই সি কি উই আর ইন দ্য ব্যান্ড মানে ফুল হলো না দ্যাট ইজ দ্য রোড তাতে উঠিবি কেন কাইমান বড়লি এইটো মো হইলি এইখিনি জায়গা পাড়িলে তো প্ল্যান ক্যান্সেল কিয়া গয়া হ্যায় नीचे जाके जो कुछ होगा वो देखेंगे। समझ जाइएगा। और वहाँ दूर पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं आप लोगों को पास कर रहा हूँ। इस जगह पे पत्थरों पे बहुत कुछ लोगों ने लिख दिया है, तो अगर आप लोग भी कहीं पे घूमने जाते हैं, कोई चीज़ों को देखने जाते हैं, तो उस जगह को गंदा मत कीजिएगा। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था इस मंदिर के बारे में, किसी को पूछा तो नहीं क्योंकि पूछने के लिए कोई मिला नहीं। तो एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, तो उस बोर्ड के लिखे हुए शब्दों के मुताबिक बान नाम का एक राजा था जो यहाँ पे शिव जी से मिले और शिव जी को कुछ उन्होंने वर मांगे और फिर शिव जी ने उनको वरदान दिए और फिर शिव जी गायब हो गए, मतलब गुप्त हो गए। तो इसलिए इस मंदिर का नाम तब से गुप्तेश्वर है। और वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस मंदिर को लगभग 6th century या 7th century AD के आसपास बनाया गया था। तो बस यही लिखा हुआ था, अगर कोई मिलता तो हम उनसे पूछ लेते मंदिर के बारे में, हालांकि कोई मिले नहीं। तो बस यही है यहाँ के बारे में। और अभी यहाँ से निकलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे।